बात पर ध्यान देंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्या मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बनाया था? यस, बिल्कुल मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बताया था। आइए उसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करें और एक लेटेस्ट चीज देखें। आइए, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, कितनी प्रॉपर्टी तक हम पहुंच गए थे? कितनी प्रॉपर्टी तक पहुंच गए थे, जरा लिख के बताइए। 12 प्रॉपर्टी तक। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 13। छोटी छोटी प्रॉपर्टी बची है, आइए उनकी बात करें। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन ऑफ डिटरमिनेंट। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन ऑफ डिटरमिनेंट। छोटी मोटी बात नहीं, चुन्नू सी बात है फैक्टराइजेशन ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मेरी एक एक बात पर ध्यान देंगे। सुनिए ध्यान से। अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट a1b1c1, a2b2c2, a3b3c3, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, थोड़ा सरका के लिखना चाहिए, जगह कम पड़ जाएगी। सब बच्चे बोर्ड पर देखें। मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है a1b1c1, a2b2c2, a3b3c3। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं L1M1N1, L2M2N2 एंड L3M3N3 से, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आइए, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये रो कॉलम मल्टीप्लाई होगा। पहला रो इंटू पहला कॉलम, A1L1 B1M1 C1N1। फिर पहला रो इंटू दूसरा कॉलम, A1L2 B1M2 C1N2। फिर A1L3 B1M3 C1N3 नीचे। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर A2L1 B2M1 C2N1, A2L2 B2M2 C2N2, A2L3 B2M3 C2N3। आइए आगे बात करें, दिस इंटू दिस, A3L1 B3M1 C3N1 A3L2 B3M2 C3N2 A3L3 B3M3 C3N3। ये हो गया दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में कोई खास बात नहीं है, मल्टीप्लाई तो हमको करना आता ही है। अब मैं आपको फैक्टराइज करना सिखाऊंगा, सब बच्चे प्लीज ध्यान देंगे। देखो, जो पहली रो है, पहली रो का पहली कॉलम के साथ डॉट, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ डॉट, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ डॉट। मेरे को सुने ध्यान से, पहली रो का पहले कॉलम के साथ डॉट, पहली रो का यानी इसकी पूरे पहली रो में इसकी पहली रो कॉमन है। पहली रो, पहली रो, पहली रो, और दूसरी रो दूसरे में कॉमन है, दूसरी रो दूसरी रो दूसरी रो। अब जरा सुनेंगे ध्यान से, मान लो ये नहीं होता, मेरी बात को सुनिएगा। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, अभी हम इस पर क्वेश्चन लेंगे। अब सुनना ध्यान से, जो रो में कॉमन होगा उससे रो बनेगी, और जो कॉलम में कॉमन होगा उससे कॉलम बनेगा। इसका ऑर्डर 3/3 है तो इन दोनों का ऑर्डर भी 3/3 होगा। इसका ऑर्डर अगर 3/3 है तो इन दोनों का ऑर्डर भी 3/3 होगा। ध्यान दें, रो में जो कॉमन होगा उससे रो बनेगी, और जो कॉलम में कॉमन होगा उससे कॉलम बनेगा। बिल्कुल ध्यान देखें, पहली रो में जो कॉमन होगा उससे पहली रो बनेगी, दूसरी रो में जो कॉमन होगा उससे दूसरी रो बनेगी, तीसरी रो में जो कॉमन होगा उससे तीसरी रो बनेगी। पहले कॉलम में जो कॉमन होगा उससे पहला कॉलम बनेगा, दूसरे कॉलम में जो कॉमन होगा उसे दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरे कॉलम में जो कॉमन होगा उसे तीसरा कॉलम बनेगा। रो में कॉमन देखना है रो बनाने के लिए, कॉलम में कॉमन देखना है कॉलम बनाने के लिए। अब कैसा कॉमन? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन। कैसा कॉमन? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन। देखो, पहली रो में ऐसे तीन एलिमेंट ढूंढो जो बार बार कॉमन आ रहे हो, A1B1C1, A1B1C1, A1B1C1। ऐसा लगता है कि पहली रो में
a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap. a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap कॉमन हो. तो पहली रो में क्या कॉमन आया? a1 b1 c1. रो में जो चीज कॉमन होगी उससे रो बनेगी, कॉलम में जो चीज कॉमन होगी उससे कॉलम बनेगा. रो में कॉलम से रो बनता है, कॉलम में कॉमन से कॉलम बनता है. अब आइए फैक्टराइजेशन बता रहे हैं आपको. अब सुनो ध्यान से, ऐसा कोई वेक्टर ढूंढो जो सेकंड रो में जिसका डॉट प्रोडक्ट लिया गया हो. ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप, ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप, ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप. ऐसा लगता है यहां इसका डॉट ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप का डॉट एल वन एम वन एन वन के साथ लिया गया है, या एल टू एम टू एन टू के साथ लिया गया है, या एल थ्री एम थ्री एन थ्री के साथ लिया गया है. तो सेकेंड रो बनेगी ए टू बी टू सी टू. रो में कॉमन देखो, तीसरी रो में ए थ्री बी थ्री सी थ्री. रो में कॉमन देखने के बाद कॉलम में कॉमन देखो. ऐसा कोई वेक्टर ढूंढो जिसके तीनों कंपोनेंट पहले कॉलम में मौजूद हो. पहले कॉलम एल वन एम वन एन वन, एल वन एम वन एन वन, एल वन ओ. तो यहां आएगा एल वन एम वन एन वन. जो रो में कॉमन होगा उससे रो बनेगी, और कॉलम में कॉमन होगा उससे कॉलम बनेगा. कैसा कॉमन? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन. ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसका बार बार डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है. यहां दूसरे कॉलम में देखो, एल टू आई कैप एम टू जे कैप एन टू के कैप, एल टू आई कैप एम टू जे कैप एन टू के कैप, एल टू आई कैप, यानी दूसरा कॉलम होगा एल टू एम टू एन टू. तीसरे कॉलम में कुछ कॉमन ढूंढो, तीसरे कॉलम में कॉमन वेक्टर ढूंढो जिसका बार बार डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है. तो तीसरे कॉलम में कॉमन आएगा एल थ्री एम थ्री एन थ्री. ये देखिए, रो में कॉमन ढूंढेंगे उससे रो वाला डिटरमिनेंट बनेगा, कॉलम में कॉमन ढूंढेंगे उससे कॉलम वाला डिटरमिनेंट बनेगा. ये मैंने डिटरमिनेंट को फैक्टराइज कर लिया. अभी तो फैक्टराइज करना बहुत इजी था. क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी मल्टीप्लाई किया था. लेकिन आइए इसी चीज को सवाल में लगाएं, आइए इसी चीज को क्वेश्चंस में लगाएं. ठीक है, कॉपी करो. एक सवाल लगाएंगे तो सवाल के जरिए आपको फैक्टराइजेशन की बात समझ में आएगी कि रियल में फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग है. सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, सुनो ध्यान से. आइए क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन कहता है कि एस आर इज इक्वल टू अल्फा की पावर आर, बीटा की पावर आर, गामा की पावर आर, शो. और अपन को शो करना था एस नॉट एस वन एस टू एस वन एस टू एस टू एस थ्री एस थ्री एस फोर. ये बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर. ये अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा और आप समझेंगे. इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग ध्यान रख सकते हैं, और वह इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस. ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. अब सब बच्चे जरा बोर्ड पर देखो. बोर्ड पर ये जो गिवन है एस नॉट एस वन एस टू एस वन एस टू एस थ्री एस टू एस थ्री एस फोर, आइए इसको लिखें. एस नॉट का मतलब अल्फा की पावर जीरो, बीटा की पावर जीरो, गामा की पावर जीरो. एस वन का मतलब अल्फा की पावर वन, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. एस टू का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. एस वन का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. एस टू का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. एस थ्री का मतलब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब. एस टू का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. एस थ्री का मतलब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब. एस फोर का मतलब अल्फा फोर बीटा फोर गामा फोर. अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा. थोड़ा सुनना है, शायद आप पहली बार डिटरमिनेंट का फैक्टराइजेशन देख रहे हैं. सुनिए, रो में जो कॉमन होगा कैसा कॉमन होगा? डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन होगा.
उससे रो बनेगी, कॉलम में जो कॉमन होगा कैसा कॉमन होगा, डॉट प्रोडक्ट जैसा कॉमन होगा उससे कॉलम बनेगा। आप सुनिए, पहली रो में कुछ कॉमन नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां वन होता है, वन 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 वन, तो वन वन वन। दूसरी रो में देखो अल्फा बीटा गामा, कैसे अल्फा इंटू वन बीटा इंटू वन गामा इंटू वन, अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर गामा इंटू गामा स्क्वायर। मैं तो कहता हूं एक एक टर्म को देखो, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर में वन कॉमन है, वन बीटा बीटा स्क्वायर में वन कॉमन है, वन गामा गामा स्क्वायर में वन कॉमन है, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब में अल्फा कॉमन है, बीटा बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब में बीटा कॉमन है, गामा गामा स्क्वायर गामा क्यूब में गामा कॉमन है। फिर यहां देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा फोर में अल्फा स्क्वायर कॉमन है, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा फोर में बीटा स्क्वायर कॉमन है, गामा स्क्वायर कॉमन है। अब कॉलम में कॉमन देखेंगे, रो में कॉमन देखने से रो बनती है और कॉलम में कॉमन देखने से कॉलम बनता है। या पहले एलिमेंट में देखो वन अल्फा अल्फा स्क्वायर में वन कॉमन है, वन बीटा बीटा स्क्वायर में वन कॉमन है, वन गामा गामा स्क्वायर में वन कॉमन है, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब में अल्फा कॉमन है, बीटा बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब में बीटा कॉमन है, गामा गामा स्क्वायर गामा क्यूब में गामा कॉमन है। आगे बढ़ो, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा फोर में अल्फा स्क्वायर कॉमन है, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा फोर में बीटा स्क्वायर कॉमन है, और ये गामा। ये देखिए मैंने कर दिया इस भयानक डिटर्मिनेंट को फैक्टराइज, ये हो गया फैक्टराइज। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, ये हो गया फैक्टराइज। यकीन ना आए तो इनको मल्टीप्लाई करिए, यही आ जाएगा। अब सुनेंगे ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूं। ये पहला वाला डिटरमिनेंट दिख रहा है, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, दूसरा वाला तो एज इट इज है, पहले वाले का ट्रांसपोज ले लो। तो पहले वाले का ट्रांसपोज ले रहा हूं तो वन 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 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, पहले वाले का ट्रांसपोज लिया गया है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाले को देखें, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, ओ तेरी, ये दोनों के दोनों तो सेम हो गए, यानी यहां से ये निकल के आएगा वन 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 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंखें कुछ देख रही हैं आज, देखने दीजिए आंखों को, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, हैंस पार्टी। अगर अभी आप इसको फैक्टराइज नहीं करते तो इसको ये प्रूव करने में बुढ़ापा आ जाता, जवानी बीत जाती। कॉपी करिए ध्यान से। एक क्वेश्चन और बताऊं, क्वेश्चन कहता है शो शो शो, क्या शो करना है, ए वन एल वन प्लस बी वन एम वन, ए टू एल वन प्लस बी टू एम वन, सी टू एल वन, नहीं सी टू क्यों आएगा, ए थ्री आना चाहिए, ए थ्री एल वन बी थ्री एम वन, ए वन एल टू, ए ए वन एल टू बी वन एम टू, ए टू एल टू बी टू एम टू, ए थ्री एल टू बी थ्री एम टू, और फिर यहां पर ए वन एल थ्री बी वन एम थ्री, ए टू एल थ्री बी टू एम थ्री, ए थ्री एल थ्री बी थ्री एम थ्री। हमको साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट जीरो है। सब बच्चे ध्यान देंगे, हमको साबित करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो साबित करनी है, मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूं। अब जो मैं बोलूंगा उसका एक एक लफ्ज सुनेंगे आप। ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसमें तीन रो तीन कॉलम है, तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मुझे दो डिटरमिनेंट मिलेंगे और दोनों थर्ड ऑर्डर के होंगे। यानी यहां पर भी तीन एलिमेंट तीन एलिमेंट तीन एलिमेंट तीन एलिमेंट तीन एलिमेंट तीन एलिमेंट। चलिए
रो में कॉमन देखने से रो बनती है, कॉलम में कॉमन देखने से कॉलम बनता है। पहली रो में देखो, पहले एलिमेंट में देखो, A1, L1, A1, L2, A1, L3, तो पहले एलिमेंट में A1 कॉमन आ रहा है। दूसरे एलिमेंट में देखो, B1, M1, B1, M2, B1, M3, तो B1 कॉमन आ रहा है। गुरुजी तीसर का एलिमेंट तो है ही नहीं, तो जीरो ले लो, क्योंकि 0 into anything विल बिकम 0। दूसरे रो में कॉमन देखो, A2 पहला एलिमेंट, A2, 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 दूसरा एलिमेंट B2, 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 तीसरा एलिमेंट हाई या नहीं, 0। तीसरी रो में देखो, पहला एलिमेंट A3, 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 दूसरा एलिमेंट B3, 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 तीसरा एलिमेंट नहीं है, 0। क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे छू मंतर हो जाएगा। कॉलम में कॉमन देखना है, कॉलम 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 कॉलम। पहले एलिमेंट में L1, 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 दूसरे एलिमेंट में M1, 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 तीसरे का नहीं है, 0। दूसरे कॉलम में कॉमन देखो, पहले एलिमेंट में L2, 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 M2, 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 और तीसरा नहीं है, 0। पहले कॉलम में, यहां कॉलम में पहले एलिमेंट में L3, 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 M3, 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 और 0। डिटरमिनेंट कितना लल्लू है, लल्लू। डिटरमिनेंट का अगर एक पूरा कॉलम या पूरा रो 0, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू 0। छाप लीजिए।